हे गाइस, रिसेंटली मैंने M1 Mac Mini परचेस किया था। आज हम उसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं, ये जो गेम प्ले आप देख रहे हो ये भी मैंने अपने M1 Mac Mini पे ही प्ले किया था, जो है GTA 5। एंड आप देख सकते हो ये काफ़ी स्मूथली वर्क भी कर रहा है। एंड आगे की डिटेल मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। ये रहा मैक मिनी M1 और ये है एप्पल एयरपॉड्स विद चार्जिंग केस। मैंने इसे एक ऑफ़र में परचेस किया था तो मुझे एयरबड्स बिल्कुल फ्री मिले हैं। जल्दी से मैं इसे अनपैक कर आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इसकी पैकेजिंग किस तरीके से आई है। जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा बॉक्स और इसके पीछे सारी शिपिंग डिटेल्स दी हुई है। तो चलिए जल्दी से इस बॉक्स को कट करके देख लेते हैं अंदर एयरबड्स कैसे दिए हैं एप्पल ने। बॉक्स के अंदर हमें एप्पल की तरफ से आया हुआ बिल और एयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये रहा एयरबड्स का बॉक्स, जो कि चारों तरफ से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ दो साइड में एप्पल की इस एयरपोर्ट्स की डिटेल दी हुई है। एंड यहाँ पर सामने की तरफ एयरपोर्ट्स बना हुआ है। एंड इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट्स की डिटेल दी हुई है, जहाँ पर लिखा हुआ है एयरपोर्ट्स विद चार्जिंग केस। एंड यहाँ पर एप्पल की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पर एयरपोर्ट्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा फोकस में ले लेता हूँ एंड अब हम इसे जल्दी से अनबॉक्स करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम इसे अनबॉक्स कर देते हैं एंड इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा एयरपोर्ट्स किस तरीके से दिया है एप्पल ने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है डिज़ाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया। एंड ये रहा हमारा एयरपोर्ट्स विद चार्जिंग केस। एंड इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट्स की थोड़ी सी मैनुअल्स वगैरह कुछ दी हुई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसे स्किप करके हम जल्दी से रख देते हैं। एंड ये रहा हमारी एप्पल एयरपोर्ट्स विद चार्जिंग केस। मैं इसे आपको थोड़ा नज़दीक से बता देता हूँ और ये देख सकते हो आप यहाँ पीछे की तरफ इसे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। और ये रहा USB टू लाइटनिंग केबल। यस, लाइटनिंग केबल मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी अपनी लाइफ में, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ एयरपॉड्स वगैरह एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, इसलिए मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हम इसे बाद में देखते हैं, पहले हम एयरपोर्ट के केस को देख लेते हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी कीमत तो उससे ज़्यादा अच्छी है। तो बात करते हैं अब इन एयरपॉड्स की। तो मैं इसे निकाल कर आपको दिखा देता हूँ और ये काफ़ी छोटे हैं दिखने में, देख सकते हो आप के मेरी फिंगर से भी काफ़ी छोटा है। और यहाँ पर R बना हुआ है, आप देख सकते हो या नहीं पता नहीं, मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। यहाँ पर R राइट साइड के लिए दिया गया है और लेफ़्ट साइड के लिए L दिया हुआ है। तो ये सब छोड़ते हुए हम अभी एयरपोर्ट के केस को देखने वाले हैं, जो यहाँ पर लाइटनिंग केबल लगता है। और यहाँ पर एक अच्छी सी हमें ना बिल्ड क्वालिटी के साथ एक अच्छा सा लुक देखने के लिए मिल जाता है, एकदम लाइक कोई बेकार सा मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। इससे पहले भी ऑलरेडी मेरे पास एक एयरपोर्ट था जो मैंने बहुत कम बजट में लिया था, तो वो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत घटिया है और होगी भी, क्योंकि वो 15,000 का नहीं है। तो यहाँ पर ना इसके अंदर चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो एक मैग्नेटिक एक फील्ड दी हुई है, जिसे लगाते ही बहुत ईजीली ये कैच कर लेता है और इसे चार्ज होता है, ये देखिए। एंड यहाँ पर भी मैग्नेटिक का यूज़ किया गया है। अब आते हैं हम हमारे मैक मिनी की तरफ और इसे मैं जल्दी से अनपैक कर देता हूँ। और मैंने यहाँ अनपैक किया हूँ, यहाँ पर बॉक्स को निकाला हूँ और यहाँ पर अभी मैं इसे निकाल कर आपको बताता हूँ। और गाइस, इसकी फीलिंग ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है जब हम कभी ऐसे प्रोडक्ट निकालते हैं ना, और वो ख़ासकर एप्पल का प्रोडक्ट होना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी ऑर्डर डिटेल्स दी हुई है और यहाँ पर ना एप्पल के ऐसे ब्रांडिंग लगी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर लोगो है एप्पल का। और इसे मैं स्किप कर देता हूँ जल्दी से और आपको जल्दी से इसे अनपैक कर बता देता हूँ। तो इसके अंदर हमारा मैक मिनी का बॉक्स रहेगा, तो यहाँ से मैं साइड से निकाल लेता हूँ इसे जल्दी से। ये देख सकते हो आप मैक मिनी, तो जल्दी से मैं इसे निकालता हूँ। और वाह यार, इसकी पैकिंग ना बहुत अच्छे से आई है, आप देख सकते हो। तो ये रहा हमारा मैक मिनी। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं आप। अब इसका पोस्टमार्टम करके मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये रहा बॉक्स का बैक साइड और ये मैं जल्दी से इसे कट करके आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, जब तक आप इस वीडियो को जाकर लाइक और कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फिर मैं आगे इसको निकालता हूँ। और यस, मैं अपना वेरिएंट बता देता हूँ, मैंने 8GB रैम और 512GB SSD वाला वेरिएंट ख़रीदा है। तो या अब यहाँ से मैं इसे निकाल कर आपको जल्दी से बता देता हूँ। और चलिए बॉक्स को हम ऊपर से निकाल लेते हैं।
और यार ये बहुत वेट इसका अच्छा है, कम नहीं है वेट। तो ये रहा फाइनली हमारा मैक मिनी, और यस फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है इसका, मतलब देख सकते हो यहाँ से इसका साइड से निकालने के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब बहुत अच्छा लुक आ रहा है गाइस, और ये देख सकते हो मैक मिनी फर्स्ट लुक। मज़ा आ रहा है यार जब एप्पल का कोई प्रोडक्ट को ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर ना मैक मिनी लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। ये देखिए मैंने इसे थोड़ा आपको नज़दीक से बताया है, देख सकते हो आप। तो मैं जैसे कि कह रहा था, इसकी प्रीमियमनेस आप देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम लुक है इसका। और यहाँ पीछे इसके पोर्स दिए हुए हैं, और मैं इसे निकाल कर आपको बताऊंगा बाद में। और इसका डिज़ाइन यहाँ पर ना बहुत डार्क में एप्पल कटआउट है, और ये देख सकते हो यहाँ पर पीछे पोर्ट्स के लिए यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है। निकाल कर मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। इसे जल्दी से निकाल कर देख लेते हैं, यहाँ पर स्टिकर वगैरह दिया हुआ है और वो केबल है। तो देख सकते हो आप मैनुअल्स इसके गाइड के वो जो दिए हुए हैं। तो ये सब बकवास चीज़ें हैं गाइस, इसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसे फेंक देना चाहिए जलाकर। तो चलिए इसकी केबल देखते हैं। तो केबल इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है, और मैं थोड़ा आपको ये अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, अब मैं निकालने जा रहा हूँ मैक मिनी का स्टिकर, एंड आप देख सकते हो इसके सारे पोर्ट्स। तो मैं ज़रा आपको पास से दिखा देता हूँ ये मैक मिनी के पोर्ट्स को। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ हमें देखने के लिए मिल जाते हैं 2 USB एंड एक हेडफोन के लिए, और एक HDMI, और 2 थंडरबोल्ट, और ये पावर बटन है, और ये पावर कॉर्ड, और ये इथरनेट, और ये कूलिंग फ़ैन। तो मैंने आपको ये सब तो बता दिया, अब हम इसे ऑन कर देते हैं जल्दी से। और मैंने यहाँ पर ऐसे टेम्परेरी रखा है आप लोग को सिर्फ ऑन करके बताने के लिए। तो जल्दी से इसे ऑन कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मैं टीवी को ऑन कर रहा हूँ और मेरा कैमरामैन शूट कर रहा है। ये इसका स्टार्टअप अभी करना पड़ेगा मैक मिनी का, तो मैं इसे जल्दी से स्किप करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका स्टार्टअप वगैरह सारा कर दिया है, और मैं आपको बता दूँ गाइस, ये सिर्फ मैंने अपने वर्क पर्पज़ के लिए लिया है। तो इसमें गेमिंग वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकते मैक में, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मैक के लिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दे दूंगा। और आप इस वीडियो को लाइक कर देना। और यही थी मैक मिनी की अनबॉक्सिंग। मैं ये काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत कुछ था, तो मैं वो सारा नहीं बता सकता। तो जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपने सारे क्वेश्चंस मुझे बताना।